नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड यू आर डूइंग योर स्टडीज ऑल्सो। टुडे इट इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 4 चैप्टर 2। चैप्टर नेम इज वर्किंग विद विंडोज 7 एक्सप्लोरर एंड पार्ट 2। इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टार्टिंग विद विंडोज एक्सप्लोरर, कि हम विंडो एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लोरर विंडो। सब कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लोरर विंडोज आर लाइक लेफ्ट पैन, जहाँ पे हमको सारे फोल्डर्स और सारे ड्राइव दिख जाते हैं, ठीक है। देन राइट पैन वेयर शोज द कंटेंट ऑफ फोल्डर एंड ड्राइव। देन डिटेल पैन, इन द डिटेल पैन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर एंड एड्रेस बार वेयर द लोकेशन ऑफ सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर एंड सर्च बार वेयर यू कैन सर्च एनी फाइल और फोल्डर इन द करंट फ्रॉम द करंट फोल्डर। ओके, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन आर लास्ट क्लास। इन टूडेज क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर, देन क्रिएटिंग अ फोल्डर, then opening a file or folder and renaming a file or folder. Okay, so first of all I want to tell you that what is a file. A file is any data or information in the form of a document, image or video, depending on the type of information. The icon for each file वेरीज। ओके, सो फाइल क्या होती है? फाइल वो होती है जहाँ पे कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेज और वीडियो। वीडियो की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में या किसी इमेज की फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसे हम फाइल बोलते हैं। और फाइल जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। लाइक अगर डॉक्यूमेंट की फाइल है तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होगी एंड अगर इमेज की फाइल है तो इमेज के फोल्डर में होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइल एंड देन व्हाट इज फोल्डर। सो अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फोल्डर वो होता है जहाँ पे हम बहुत सारी फाइल्स रखते हैं। सो अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फोल्डर आर क्रिएटेड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज कंप्यूटर फाइल्स ऑफ सिमिलर नेचर। फोल्डर में हम बहुत सारी फाइल्स जो है वो सेव करके रख सकते हैं सिमिलर नेचर की। वी कैन पुट फाइल इन साइड अ फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर हम फाइल्स को रख सकते हैं। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्या समझ आया आपको कि फाइल जो है दीज आर सम इंफॉर्मेशन एंड फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फोल्डर में क्या होती है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली दैट व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर। सो लाइक on the document, okay. So here is, ये क्या है, this is document folder of my computer. So these all are the folders. ये सारे क्या हैं, ये सब folders हैं। ये जो आपको yellow color में दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं, these all are the different type of folders, okay. And what is this, these all are the different type of files. जैसे जिसपे word लिखा हुआ है वो W लिखा हुआ है वो वर्ड की फाइल है, P लिखा हुआ है तो पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है। एंड लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। X लिखा हुआ है तो एक्सेल की फाइल है, ये वाली आपकी जो है ये नोटपैड की फाइल है, ठीक है। सो ये क्या है, ये अलग अलग फाइल्स हैं और ये जो येलो कलर के हैं ये अलग अलग फोल्डर्स हैं, ओके। और एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस फोल्डर को ओपन किया लाइक सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर को या लैपटॉप बैकअप, इस सॉफ्टवेयर इसको मैंने ओपन किया तो इसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हैं। अब इसको जब मैंने ओपन किया तो इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फोल्डर भी हैं और बहुत सारी फाइल्स भी हैं। जो ये येलो कलर के हैं ये सारे क्या हैं, फोल्डर्स हैं। और ये बाकी सब क्या हैं, बाकी सब अलग अलग टाइप की फाइल्स हैं। तो ये फाइल्स किसके अंदर है, ये फोल्डर के अंदर है ये फाइल्स, ओके।
So these all are the folder, and this is what, these are the files. ठीक है, अब आपको फोल्डर और फाइल तो समझ आ ही गया होगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट क्रिएटिंग अ फोल्डर, कि हम फोल्डर कैसे बनाते हैं. ठीक है, देन ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को हम ओपन कैसे करेंगे, एंड आफ्टर दैट रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर. शो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दिस, वेट 4 मिनट, आई एम ओपनिंग. ओके, सो लाइक दिस इज द, ओके सो दिस इज द फोल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर हेयर. ठीक है, आप एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे आप फोल्डर, फोल्डर कैसे बनाते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट अ फोल्डर. सो टू क्रिएट अ फोल्डर आप क्या करेंगे, यहाँ पे माउस को रखेंगे. देखिए मेरे माउस का कर्सर कहाँ पे, राइट पैन में. मैंने आपको विंडो एक्सप्लोरर में बताया था दैट दिस इज व्हाट, दिस इज राइट पैन एंड दिस इज लेफ्ट पैन. सो राइट पैन पे आप माउस को रखेंगे, देन डू राइट क्लिक. आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये शॉर्टकट आ जाएगा. यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, न्यू पे, और न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड सम फाइल्स एंड फोल्डर ऑल्सो. ओके, सो क्लिक ऑन दिस फोल्डर. जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा. लाइक यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर आ गया. अब इस न्यू फोल्डर में आप कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं. नाउ द फोल्डर इज ब्लैंक, अभी फोल्डर में कुछ भी नहीं है, फोल्डर खाली है. ठीक है, तो हमने कैसे बनाया नया फोल्डर, माउस को यहाँ पे रखा, देन राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन न्यू, और न्यू पे जाके हमने फोल्डर पे क्लिक कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया. मैंने इसको नाम दे दिया जैसे एबीसी, तो ये एबीसी के नाम से एक नया फोल्डर यहाँ पे बन गया है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ हमने दो फोल्डर बनाए हैं अभी. फर्स्ट हमने बनाया था न्यू फोल्डर एंड सेकंड हमने बनाया था एबीसी. सो ये रहा एबीसी. ठीक है, तो ये टू फोल्डर्स हमने यहाँ पे बनाए हैं. तो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ फोल्डर. ठीक है, फोल्डर के लिए आपको सिंपल, जहां पे भी आपको फोल्डर बनाना है, जिस भी लोकेशन पे फोल्डर बनाना है, देन राइट क्लिक देयर एंड देन क्लिक ऑन न्यू एंड देन क्लिक ऑन फोल्डर, तो आपका ये फोल्डर बन जाएगा. अब ये जो हमने फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर अभी ब्लैंक है क्योंकि इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है. देखिए ये फोल्डर अभी एकदम ब्लैंक है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ यू कैन ओपन अ फाइल और अ फोल्डर, कि आप एक फाइल और फोल्डर कैसे ओपन कर सकते हैं. तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट दीज ऑल आर द फाइल्स एंड ये जो येलो वाला है दिस इज व्हाट, फोल्डर. ठीक है, तो आपको कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक माउस को आपको उस फोल्डर पे लेके जाना है एंड डू दिस राइट क्लिक. ठीक है, और राइट क्लिक के बाद में आपको क्लिक करना है ओपन पे. जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा. हमारा ये जो फोल्डर है अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए ये हमें इस तरीके से ब्लैंक दिखाई दे रहा है. अगर इसमें कोई फाइल होती तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाती. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ यू कैन ओपन अ फोल्डर. तो अगर आप कोई भी फोल्डर ओपन करना चाहते हैं देन देयर इज टू मेथड टू ओपन द फोल्डर. फर्स्ट यू कैन डबल क्लिक ऑन दैट फोल्डर. डबल क्लिक मतलब आप टू बार अपने माउस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही टू बार क्लिक किया आपका जो फोल्डर है वो इस तरीके से ओपन हो गया. एंड सेकेंड मेथड इज
दूसरा तरीका है आपके पास, दैट माउस को इसके ऊपर रखिए एंड देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन दिस ओपन, तो भी आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है. अब आई हैव टोल्ड यू दैट फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, सो दीज ऑल आर द फाइल्स, लाइक दिस इज अ फाइल. तो मैंने क्या किया, इस फाइल को यहां से कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया. ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये जो फाइल है ये इस फोल्डर के अंदर आ गई. ठीक है. तो ऐसे ही और भी बहुत सारी फाइल्स आप इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, लाइक कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया. ठीक है. तो पेस्ट करने से क्या हुआ, देखो अब ये जो फोल्डर हमारा जो ब्लैंक फोल्डर था वो अब ब्लैंक नहीं है, उस फोल्डर के अंदर काफी सारी फाइल्स हैं, लाइक आंसर शीट है, सेकंड क्लास, देन सेवेंथ क्लास, देन एट क्लास. सो दीज आर द सम फाइल्स, सम रैंडम फाइल्स. ओके. सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर. सबसे पहले आपको एक फोल्डर बना के देखना है. ठीक है. फोल्डर जब आप बनाएंगे तो फोल्डर आप कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक देन क्लिक ऑन दिस न्यू बटन एंड देन फोल्डर. जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर आपका बन जाएगा. देन टू ओपन दिस फोल्डर यू कैन डबल क्लिक हेयर एंड ऑल्सो यू कैन राइट क्लिक हेयर एंड देन क्लिक ऑन ओपन. जब आप ऐसा करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा. इस फोल्डर में अभी हमें ये चार फाइल्स दिखाई दे रही है. आई हैव टोल्ड यू दैट फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स. तो आप अपने फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं. सेम आपने ये फाइल्स यहाँ पे सेव करके रखी हैं. जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है जस्ट राइट क्लिक देयर एंड देन क्लिक ऑन ओपन, तो आपकी जो फाइल है वो आपके सामने इस तरीके से, क्योंकि ये वर्ड की फाइल है तो ये ऑटोमेटिकली वर्ड में ओपन हो जाएगी. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग दैट हाउ वी कैन रीनेम अ फोल्डर. ओके. सो अगर आपको किसी फोल्डर को रीनेम करना है, इट मीन्स उसका नेम चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, दैट इट इज अ फोल्डर, ये हमारा फोल्डर है, डू राइट क्लिक हेयर, फोल्डर के ठीक ऊपर आप माउस को रखेंगे देन राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन दिस रीनेम बटन. रीनेम पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमने कोई भी नेम दे दिया, लाइक एबीसी से हमने दे दिया एक्स वाई जेड. तो नाउ हमने इसको एक्स वाई जेड नेम दे दिया, तो इस फोल्डर का नेम जो है वो चेंज हो गया है. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी भी फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन दैट फोल्डर, देन राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन दिस रीनेम एंड गिव एनी नेम टू दैट फोल्डर. लाइक मैंने इसको दे दिया इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट स्टफ. ओके. सो फाइल नेम इज चेंज नाउ. ठीक है. तो फाइल जो है वो चेंज हो गई है, फाइल का नेम जो है वो चेंज हो गया. तो नाउ सो जो आपकी फाइल है इसका नेम अभी चेंज हो गया है. सो लाइक दिस यू कैन चेंज द नेम ऑफ एनी फोल्डर और एनी फाइल. ठीक है. सो आज हमने क्या पढ़ा, वर्किंग विद फाइल एंड फोल्डर, कि फाइल एंड फोल्डर के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, देन क्रिएटिंग अ फोल्डर कि हम एक फोल्डर कैसे बना सकते हैं, ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर हम किसी भी फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे, एंड देन रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, किसी भी फोल्डर को या फाइल को हम रीनेम कैसे करेंगे. दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टूडे. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी एंड क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी in your live query class.
ओके एंड ऑल योर होमवर्क आई विल शेयर इन योर क्लास ग्रुप. डू ऑल द कंप्यूटर वर्क इन इंटरलीफ नोटबुक एंड डू कंप्लीट योर होमवर्क एंड सबमिट योर नोटबुक इन स्कूल फॉर चेकिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.